ये इनकी स्ट्रेंथ है। ये जो कैप्ड ब्रूड्स दिख रहे हैं हमें, ये बच्चे हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये बाहर निकल जाएंगे और इसमें सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे होंगे इनके अंदर, ठीक है, वो लार्वा है। सो दिस इज़ इट। एग लेइंग तो काफ़ी अच्छी है। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये कैप जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चीज़ें, ये शहद है। मधुमक्खियाँ जो हैं अपने खाने के लिए इसमें शहद इकट्ठा कर लेती हैं और उसको पैक कर देती हैं। ये अगर हम इसको, ये चीज़, ये शहद है, ये इनके लिए है। एगलिंग काफ़ी अच्छी है तो स्ट्रेंथ इनकी बढ़ेगी। पॉलन वगैरह कहीं से ला रही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है पॉलन। लेकिन हमें आज इन्हें फीड कराना पड़ेगा फिर से। आज हमें इन्हें शुगर सिरप देना पड़ेगा। ये है, ये नुकसान करते हैं। और इन्हें हमें कभी कभी मारना भी पड़ जाता है। ये है, इनको हमने मारना भी पड़ जाता है क्योंकि ये जो है मक्खियों को पकड़ के ले जाते हैं और खा कर, ये मक्खियों को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो इन्हें कभी कभी हमें हटाना भी पड़ जाता है। अगर ये ज़्यादा लग रहे हैं तो इनको हमें मारना पड़ जाता है। इस सीज़न में तो अभी काफ़ी कम लगे हैं, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा लगे थे। इन कहाँ हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये जो दिख रही है बड़ी सी साइज़ में, ये क्वीन है। एग लेइंग की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो क्वीन की होती है। और ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एग लेइंग हुआ है
तो हमें इसे प्रॉपर फीड कराना पड़ेगा, मतलब शुगर सिरप जो है आज हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना अगर ये सारे ब्रूड्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ना ऐसा करें। तो कुल मिला के ऐसे हमारे पास 12 बक्से हैं और उन सभी में हमें चेक करना पड़ेगा कि फीड की रिक्वायरमेंट किसमें किसमें है। लगभग सभी में होगी तो हम सभी को फीड कराना ही पड़ेगा। तो और हम देखेंगे कि कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, वैक्स मॉथ जो है वो किसी बक्से में है कि नहीं, ठीक है, अगर है होगा तो उस फ्रेम को हम हटा देंगे या फिर उसको सफाई करने की कोशिश करेंगे। सो इन सभी बक्सों को हमने चेक कर लिया है, केवल एक बक्सा जो है हमारे पास ये वाला, इसमें फीड नहीं है, ये जो प्रेजेंट है तीसरा वाला, इसमें रानी नहीं है, तो हमने फ्रेम निकाल के दूसरे बक्से से डाल दिया है। देखते हैं, स्ट्रेंथ सबकी सही है, नेक्टर थोड़ा कम है, पॉलन सही है, तो नेक्टर आज हम उसके लिए हम शुगर सिरप का दे देंगे इन्हें। गद्दार गौतम नाम है इसका। शत्रुधन गौतम नाम है मेरा। चालू तो है नहीं है। चल रहा है। और अब हम आ चुके हैं अपने तालाब पे। ये मछलियों को उस दाना डालना था, हमें चना था और फिर हमने इसमें दाना डालेंगे। तो अभी पत्तियाँ ये छिड़क के देख रहे हैं कि ग्रास जो है मछलियाँ आ रही हैं कि नहीं। और अब हम इसमें दाना डाल रहे हैं। इसमें हमने ग्रास, रोहू, रूपचंदा नाम की मछली है वो डाल रखा है, देसी मंगरी हैं वो सब नीचे हैं, इनका साइज़ लगभग
आधा केजी से लेके 1 केजी के बीच तक का हो गया है। ग्रास जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है उनकी, 1 केजी के आसपास पहुँच चुकी हैं। बाकी जो मछलियाँ हैं लगभग आधा केजी के साइज़ में पहुँच चुकी हैं। रक्षाबंधन के बाद इसका एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे, देखते हैं। चलो अभी खाते हैं। आज पशुहार ख़त्म हो गया था तो दोपहर में व्यंत, ये जो मेरे बगल में बैठा है, ये लेके आया और फिर मैंने उसका ई रिक्शा ट्राई किया। ठीक बा एकदम मस्त। अब सीख लिया नहीं, अब चला लिया नहीं। ओके ये लिया जाओ, अब ये लिया जाओ। हाँ सबसे बढ़िया रहे। हाँ जी भाई, घरे की दुनिया तुम्हारी यार फिर से। लगी है ना उन्हें? नहीं नहीं लगी ना, एकदम मस्त। अब भाई बैटरी रुका था ना? हाँ हाँ चल तब ठीक है। दवा चला ले तो एक नवा चरपा, ये चला ले तो आई का देंगे। शाम को मधुमक्खी के बक्सों में शुगर सिरप डालना है तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये चीनी का जो सीरा है बना लेंगे, 1:1 का रेशियो रख के। 5 केजी चीनी है और 5 लीटर के आसपास वाटर हम ले लेंगे और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक ये उबल नहीं जाता, और उसके बाद बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको बक्सों में ले जाकर डाल देंगे। अन्नी पैसा मांग के ले आओ। नहीं ले आओ जल्दी। नहीं दो पैसा, पानी मामा दबुलो रे दो रुपए। ए दो 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 पानी नहीं मिली। नहीं मिले चलो कोनो पटा फोड़ी। अरे जब एक बम्मा बोल दे दो। पैसा लाई हो? ए, पैसा लाई हो? शाम को हमारा ये शुगर सिरप तैयार हो जाता है और फिर हम पहुंच जाते हैं इन बक्सों के पास सीरा डालने तो, और हम इन्हें फीड कराने वाले हैं। ये शुगर सिरप जो है हम सिर्फ इस प्लास्टिक के कंटेनर में डाल देते हैं और इसमें जो हमने ये डंडियां डाल रखी हैं वो सिर्फ इसलिए है कि कुछ मक्खियाँ जो है इसमें गिर के मरे ना, वो बाहर निकल आए।
इस वजह से हमने इनको डाल रखा है। शाम के वक्त में काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है थोड़ा सा ये, क्योंकि सीज़न चल रहा है, ऑफ सीज़न चल रहा है और अग्रेशन में ज़्यादा हो गया है। और इसे हटा के हम थोड़ा इधर रखते हैं, इनका रूट जो है, पैसेज जो है वो ब्लॉक हो रहा था। आज पूरा इंडिया इतनी रह रहा था, ये वही तो पढ़ा ही नहीं करी राधा सुन के में। अरे हम कहा गए जीसस क्राइस्ट वाला चर्चवा में। ये अन्नी है, नहीं नहीं रावण पानी भरने आ गया, फिर से आ गया।